दिस इज 25 इंटू 16 इंटू 25 का हाउस प्लान। तो देखिए इसमें फ्रंट एलिवेशन, तो यहाँ पर है फ्रंट एलिवेशन। पहले देखिए एक डोर, ग्लास डोर, एक यहाँ पर एक बैल्कनी बरामदा। तो यहाँ पर से देखिए आप घर के अंदर जाने के लिए इसके अंदर आपको डोर मिलेगा, ठीक है, इसको ओपन करने के बाद। उसके बाद इधर एक देखिए बेडरूम के अंदर यहाँ पर एक रूम है, इसके अंदर यहाँ पर एक विंडो, ओके। इसके बाद देखिए इस साइड में भी विंडो, इसका कुछ देखिए फ्रंट का जो पार्ट है इस टाइप का है, ठीक है, तो इस टाइप का है। और इसमें जो है देखिए इस टाइप का है एक, और यहाँ पर जो पैरापिट वॉल यहाँ पर भी ऐसा डिजाइन किया हुआ है इस टाइप का, ओके। तो उसके बाद हम जाएंगे इसका फ्रंट कंप्लीट करने के बाद इसका अंदर जाने के बाद हम दिखाएंगे इसका डिज़ाइन। तो सिर्फ हमने सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है, छोटा सा प्लॉट है, ठीक है। तो चलिए उसको हम दिखा 16x25 का टॉप, और उसके बाद इस टॉप को हम यहाँ पर देखें, हम इधर लेकर आएंगे डिटेलिंग पर। तो यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हम कुछ मेजरमेंट यहाँ पर ऐड करेंगे, जो मेजरमेंट है ऐसा 15 टू, इधर देखिए मेजरमेंट। तो मेजरमेंट कंप्लीट करने के बाद हम घर के अंदर का क्या मेजरमेंट वाइज क्या क्या हमने रखा है यहाँ पर दिखाएंगे, देखिए। और ऐसे, ठीक है, ऐसे मेजरमेंट। और इसके अंदर जो है पार्ट देखिए 4 फीट 1 इंच का पक्का इधर मिल गया है। तो इधर पे एक बालकनी है, तो चलिए इसके अंदर हम जो भी है इसको हम लिख के देंगे। तो यहाँ पर बेडरूम यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन यहाँ पर हम प्लेस करेंगे। तो साइज 4 फीट 6 बाई 8 फीट, 10 फीट बाई 15 फीट 2 इंच यहाँ पर डोर रहेगा। तो यहाँ पर एक और एक हम लिखेंगे यहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग दोनों एक साथ, ओके। और यहाँ पर जो है किचन यहाँ पर प्लेस करेंगे किचन। तो उसके बाद जो इसका जो फ्रंट का जो बालकनी है बरामदा, तो यहाँ पर हम सेट करेंगे किचन। देखिए 8 फीट बाई 8 फीट 10 इंच, यहाँ पर ड्राइंग या डाइनिंग एरिया 9 फीट 3 बाई 6 फीट 9 इंच, बाथ एंड लेट 4 फीट 6 इंच बाई 8 फीट, यहाँ पर देखिए 4 फीट 1 इंच बाई 6 फीट 9 इंच, ओके। और यहाँ पर रूम, तो इसमें जो टोटल मेजरमेंट वाइज कितना आएगा देखिए यहाँ पर, ट्वेंटी फाइव फीट, ओके, हम ऐसे दिखाएंगे इसको। और यहाँ पर देखिए 16 फीट। तो यही था 25 और 16 फीट का हाउस प्लान। और इसका जो फ्रंट का है देखिए यहाँ पर हम टॉप से देखेंगे ऐसे। तो उसके बाद इसका अंदर में देखिए जाने के लिए ऐसा रास्ता रहेगा, ये जो हमने दिखाया था इससे पहले। तो ग्लास से हम इसको बाहर से ऐसे रखा है, ये भी किचन का पार्ट है इधर, ठीक है। तो प्लान देखिए, प्लान में मैंने कुछ भी अच्छा एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखा है, बहुत ही कम बजट का है। तो टोटल स्क्वायर फीट भी आप देखिए 25 इंटू 16 फीट है। तो ऑटोकैड का ड्राइंग यहाँ पर भी रखा है हमने, ठीक है। तो उसके बाद इसका टोटल स्क्वायर फीट जो आएगा हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इसका हम शेयर करते हैं, यहाँ पर 400 स्क्वायर फीट, ओके, यहाँ पर 400 स्क्वायर फीट एरिया। तो इसका टोटल कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट यहाँ पर लिख के देंगे हम, बिल्डिंग कॉस्ट आप मिनिमम 6 लाख, नॉर्मल बिल्डिंग के लिए आपको 6 लाख रुपीज खर्चा तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो कॉलम पोजीशन है हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे,
जो कॉलम यहाँ पर आएगा, ठीक है, ऐसे तो हम यहाँ पर हैच प्रेस करेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे। तो हमने ये जो पार्ट है यहाँ पर आप इससे भी ज़्यादा कॉलम प्रोवाइड कर सकते, लेकिन हमने नहीं किया है, हमने ऐसे 6 कॉलम में इसको प्रोवाइड किया है। और एक बात, आप इसको चेंज कर सकते, तो इसका कॉलम साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो कॉलम साइज यहाँ पर आएगा 10 इंच × 14 इंच का, क्योंकि यहाँ पर देखिए 16 फीट डिस्टेंस है, ठीक है, कॉलम साइज, और आउटसाइड वॉल साइज जो है 5 इंच वाला, इनसाइड में 5 इंच वाला। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो और 3D अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें।